पांच रंग के वक्रे वक्रे पेन ने ते ए बच्ची रंग दसूगी भी इस रंग के पेन नाल इत्थे लिखा गया आओ फिर शुरू करके माड़ा जी तो जसवीर सोनी जी एक पेन नाल कुछ भी लिख देंगे तो लिखा हुआ बच्चा दसूगा भी तो किहड़े पेन नाल लिखिया ये भी दस दूगा क्योंकि पांच रंग के पेन ने बच्ची कुछ नहीं दिख रहा इस वक्त ये बच्ची तो पढ़ाने की कोशिश करते हैं सर ने लिखा की है एक बार दो मिनट खड़ जाओ तो आ देख लो एक बार कि आ लिखा भाई जी होरों ने उपर तो लिखा कि हूँ बच्ची पढ़ूगी ये सही पढ़ती है देखते हैं ये लिखा की है भाई जी होरों ने दस्यो माड़ा जी परवेज मनी सर क्या बात है तो हूँ ये अगला चीज़ बहुत दिलचस्प रहने वाली है पांच पेन ने लिखा किहड़े पेन नाल मैनू भी नहीं पता भुल गया मैं भी पर बच्ची दस दूगी कि लिखा किवें कैमरे सामने कैमरे के सारा आ गया भी कि रगना लिखे आप हलो बेटा हलो आ दसो दसो कि रंग के पेन आप लिखे ये देखो बच्ची लभ पाँदी है या नहीं लभ पाँदी ये वक्री जी चीज़ आखते हैं तो क्या बात है तो यह तो बड़ी वक्री चीज़ हुई है कि यह पेन दसता कि तुम भी देख लो माड़ी जी पिछे वीडियो करके कही पेन लिखा सी गुड़िया कि उंगल ने पता नहीं। क्या बात है ये उंगलों का नहीं पता लगे फिर भाई जी किताब कैसे पढ़ूगी वक्रा जा कॉन्सैप्ट एक कारण है मैं अपनी मर मर्जी कोई भी चक सकता आ पढ़ा तुम आप पढ़ लो एक बार तो फिर ये बच्ची देखते हैं कि सही पढ़ती है आ लाइन तो शुरू करूँगा मैं तो देखते हैं आ लाइन पढ़ के एक बार जरूर दस दो कि लिखा की हुआ धुंध बहुत है अजय सरकार दिखाई नहीं दे रही भाई जी ये तो एक वक्रा जहा चमत्कार करता अच्छ बच्चों के नाल तो ये सानू भी यह नुस्खे जिहे जे कुछ दस दिया करो होर बच्ची तो भी करा के देख सकते हैं ये भी देख सकते हैं ये हो सकता कि बच्ची ट्रेंड होवे कल्ली बच्ची ट्रेंड होवे होर किसी तो भी करा के देख लें बच्चों तो जो आप सारा बच्चों को करवावे अजय बहुत इधर आ जा इंग्लिश की बुक है थोड़े सामने आ तो हूँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं कोई भी पन्ना मैं खोल लेना यह पन्ना ये पढ़ाऊँगा मैं तो ये पढ़े बच्चे कि बुक है ये नाम दस दो पहला बुक An alien hand. ते इत्थों पढ़ना शुरू करो. Where's the man that did that? Ask the cop. Don't you think that I might have done it? Said Soapy. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. ते ये बच्ची ने भी पढ़ता जानी ये बच्ची भी पास है तो इत लिखते ये बच्ची पास होंगी है या नहीं होंगी वो देखते हैं कैमरे के उत्ते कुछ भी लिख दो भाई जी ये तो बच्ची ने जिम्मे पहला तो इन्होंने पास करता मैं लगता कि ये बच्ची भी कर दूगी तो देख लो तो की लिखे आ बच्चे ये पढ़ के दस्यो माड़ा जी की कैमरामैन सर दा धन्यवाद क्या बात है भाई जी हुण पेन फड़ाओ ही हाथ हुण इहदा रंग दसो कि किहड़े रंग दे पेन नाल इह लिखिआ हैगा इह आ वाले कलर नाल लो जी सर इह भी तुसीं चैक करके देख सकदे हो सत श्री अकाल तुसी देख रहे हो सुरखाब टीवी हमेशा कुछ वक्रा दिखाने की कोशिश करते हुए मेरे नाल अज जसवीर सोनी जी तो एक छोटे छोटे बच्चे होंगे आख्या जाता है कि जादूगर को बहुत बड़िया शक्तियां होंदिया ने अक्सर साढ़े लोग समझते हैं पर आ बच्चे ने जिहड़े मेरे नाल बैठे ना ये जादूगर भी फेल करते हैं क्योंकि चेले की दे चेले जसवीर सोनी दे तो गलबात करते हैं तो बई जी अज की नवी आइटम ने जिहड़ियां की पर्दाफाश अज जिहड़ा जादूगरां दा करोगे जिहड़े ये बच्चे करनगे हाँ जी सर मैं जी चीज़ अज लैके आ रहा थोड़े सामने कि एक बहुत बड़ा चल रहा है साढ़े देश के बहुत सारे स्टेटा के एक बच्चों के अखा से काली पट्टी बन के तो बच्चा कहें भी नक ना सूंघ के पढ़ लगा वह जो मतलब ब्रेन है दिमाग है वह इन्ना मतलब तेज़ हो जाता स्ट्रोंग हो जाता है
वो एक सब तो वड्डी गल ये हैगी कि के बी सी के उत्ते भी चल रही है वो वीडियो, एक बच्ची है अखां दी पट्टी बन के पढ़ रही है, वो कलर भी दस रही है, उन्होंने चीज़ दिखा रहे वक्रे वक्रे कलर भी दस रही, आह कलर है गया। प्लस की होया कि उहदे नाल हुण कई अकैडमियां जिहड़ी पिछले समय च मैनूं पता लग्गिया, हालांकि मेरे जिहड़े सोर्स ने बहुत सारे सैल हैगे ने, तो उत्थों पता लग्गिया राजस्थान दे विच एक नौर हैगा कस्बा हैगा हनुमानगढ़ जिले दे विच, एक बीकानेर बाड़मेर जयपुर उत्थे भी इह जिहियां कुछ संस्थावां खोलियां होईयां ने उन्होंने, जिन्हां नूं अकैडमियां कहिंदे ने, तो वो भी दावा करते हैं इस गल्ल भी बच्चों के अखा के पट्टी बन के या नक् ना सौंक के पढ़न ला देंगे, तो असी वो चीज़ लैके आया मैं और उन्होंने असी चैलेंज करते हैं कि जो दावा करते इस गल्ल का भी उहदा बच्चे का ब्रेन दिमाग तेज़ होजूगा, तो असी तर्क सोसायटी वालों चैलेंज करते उन्होंने भी बच्चे लियाओ साढ़े को अखा की पट्टी से आपके हिसाब ना बच्चा बनोंगे तो बच्चा पढ़ के दिखा दे। इस तो पहला भी इन्होंने बहुत सारे पढ़ते फास किए, एक अपने सी ब्रेन पीढ़िया नाँ की संस्था चलाई सी हरियाणे के जिया फटेला नाँ की कुड़ी सी, तो वो अखा की पट्टी बन के पढ़ती होंगी सी, वह साडा चैलेंज हो गया डब वाली दे, डब वाली चैलेंज हो गया उत्थे उन्होंने शो चल रहा, तो बच्चों वो ट्रेनिंग करा रहे थे उत्थे, जो साडे मैंबर गए काले वाली मंडी तो गए साडे इतों डब वाली तो गए जाके उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने गलबात की, तो वो टाल मटोल कर लग गए। अखीर जो चैलेंज हो गया तो असी कहा भी पट्टी असी बना पढ़ के दिखाओ, वो नहीं कर सके। अखीर 1,85,000 रुपया असी डब वाली दे उन्हां लोगों का वापस कराया जिन्हां लोगों को लिया सीगा। और कमाल की गल सर वो सी कि वो जिहड़े लोग वो कहिंदे सी एक 13-14 साल का बच्चा लियाओ तो 15,000 रुपया दिओ थोड़े बच्चे ट्रेन करांगे तो बच्चे का जिहड़ा दिमाग है बहुत तेज़ होजूगा, तो वो जिहड़े लोग से जिहड़े बच्चों दिमाग तेज़ करवाउण गए सीगे, जदों असीं उत्थे पड़ताल की सानूं आख्या भी वो कहिंदा 15,000 मेरा भी लिया 15,000 मेरा भी लिया, असीं उन्हां नूं पुछिया भी तूं कौन आ, कहिंदा मैं डॉक्टर हाँ, मैं कहां तूं कौन आ जी मैं मास्टर हाँ, तूं कौन मैं वकील हाँ, जिहड़े बड़े बड़े लोग वो वापस कराए। फिर असी काले वाले दे विच 50,000 रुपया जी शर्त हार गए सी, उदों बाद फिर इत्थे डब वाली अपने मोगे साढ़े कई सी उत्थे चैलेंज हो गया, उत्थे आके शो कर रहे सी चैलेंज हो गया, असीं कहे 5 लाख रुपया असीं तुहानूं देवांगे अखां दी पट्टी असीं बन्नांगे बच्चे तुहाडे होणगे। चलो वो असीं इत्थे आ गए देश भगत यादगार जलंधर दे विच, वो आपके बच्चे लिए बच्चे लिया के असी उहदे आपके हिसाब नाल पट्टी बन्नी, पट्टी बन्नण तों बाद फिर बच्चे नहीं पढ़ सके तो वो शर्त हार गए। अज वो चीज़ां देखे क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों तो यह मेरे को बार बार वीडियो फोन मेरे मित्रां दे जिन्ने मेरे हैगे ने जाणू हैगे ने उस आ रहे सीगे यार इदां दा इक स्कैम, क्योंकि मैं स्कैम ही कहूँगा यह कि जिहड़ा बच्चों के नाल खिलवाड़ किया जा रहा, तो कहिंदे मैं इदां स्कैम चल रहा भी ये वास्ते कुछ ना कुछ तू कर, तो अज मैं वो चीज़ लैके आया आ मेरिया बच्चिया ने छोटी छोटिया तो सारिया 8-9 साल दिया बच्चिया ने, तो जिदा वो करते हैं चाहे वो के बी सी वाले कर रहे हैं कौन बने करोड़पति, चाहे वो मतलब जो राजस्थान के कि मध्य प्रदेश कि यूपी कितने भी कर रहे हैं वो जो करके दिखा रहे हैं, वो मैं थोड़े सामने करके भी दिखाऊंगा दसूंगा भी ये पिछले की रीजन है की कारण काम करता है, एंड दे जाके बस समझावे कि हों किमें करते हैं तो ये किमें होंगे है वो पिछले कारण की है। तो आ मेरे को एक पट्टी है तुम देख लो डबल है, ये नहीं कहते बच्चे कुछ दिखता है डबल बनाई हुई पट्टी है, दूरी करके सौन मार के डबल की हुई है, तो यह सर मैं तुम देख सकते हो चेक कर सकते हो, मैं थोड़ी अखा से ला देना पहला तुम दस सकते हो, मैं थोड़ा दींदा कुछ नहीं भाई जी, नहीं भाई जी दिखता नहीं कुछ भी। तो मैं हूँ इस बच्ची के अखा से पट्टी बन्नागा, तो यह बच्ची जी है अखा से पट्टी बन के किताब पढ़ूगी तो यद रंग भी दसूगी, देखते हैं की बनता किनिया उंगलों ने, यह गुड़िया किन उंगलों ने पता नहीं क्या बात है, इन्हें उंगलों का नहीं पता लगे फिर भाई जी किताब कैसे पढ़ूगी, वखरा जा कॉन्सैप्ट एक कारण है, मैं अपनी मर्जी कोई भी चक सकता है मर्जी चको जी मेरे ख्याल गुड़िया शायद पंजाबी इंग्लिश पढ़ लेंगे पुत इंग्लिश पंजाबी आऊगी पंजाबी पढ़ा लो पंजाबी किताब पंजाबी की किताब तो कोई भी पन्ना खोल जो मर्जी खोलो जी पंजाबी का अखबार पे है ठीक है जो मर्जी चक्के पढ़ाओ कुछ भी मैं पंजाबी की किताब है कोई भी पन्ना इन खोल के बच्चे दिना पहला तो आ किताब का नाम की है ये दस दो माड़ी पंजाबी दिया प्रकाशनावां क्या बात है क्या बात है। तो हुण आ जिहड़ी आ लाइन लिखी हुई है शुरू तो ये पढ़ के दस दो माड़ा जिहा की है संबंधी प्राप्त तनावां दे मुकाबलतन पंजाबी गलप तो प्राप्त वेरवे वधेरे क्या बात है तो होर पेज भी खोल लैने कोई ना ते की बनता है तो आ हुण पंजाबी अखबार पे इत्थे पंजाबी अखबार का कोई भी पन्ना खोल के मैं इन्हां तों आ पढ़ाउणा तुसीं आप पढ़ लो एक बारी
तो फिर ये बच्ची देखते हैं कि सही पढ़ती है। आ लाइन तो शुरू करूँगा मैं, तो देखते हैं आ लाइन पढ़ के एक बार जरूर दस दो कि लिखा की होया। धुंध बहुत है अजय, सरकार विखाई नहीं दे रही। हाँ, नीचे भी लिखा है कुछ, शुरू तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। वोटा पै गई हैं एक अखबार ने पंजाब दियाँ 117 सीटा का विश्लेषण प्रकाशित किया, नाल एक कार्टून छपाया जिस। तो भाई जी ये तो एक वक्रा जहा चमत्कार करता अज बच्चों के नाल, तो ये सानू भी यह नुस्खे जे जे कुछ दस दिया करो। हाँ जी सर, तुम साढ़े को आते रहने, थोड़ा भी दसते रहने, पर बाकी लोगों को भी दसा कला यही है जिमें लोग कर रहे हैं, लोगों को भरमत कर रहे हैं, लोगों को मतलब धोखे च रख रहे हैं, लोगों को ठगी मार रहे हैं। तरकुल सोसायटी का यह काम नहीं है, तरकुल सोसायटी वो पर फास्ट करती है, तो यह चीज़ें भी आप दसा एंड के जाके भी बच्चे किदा पढ़ रहे हैं, तो किदा रग दस रहे हैं, तो जिदा ये बच्चे दस रहे हैं उदा ही वो बच्चे दस रहे हैं जोड़े बच्चे वो कर रहे हैं, जोड़े बच्चे दावा करते हैं कि असं वह ब्रेन जरा दिमाग तेज कर रहे हैं। ठीक है, हाथ च पेन फड़े हुए इन्हों का खास कारण? हाँ जी, यदा कारण है जी, पांच रंग के वक्रे वक्रे पेन ने, तुम भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी एक रंग पेन लिख के जे मैं कहो मैं लिख दूंगा, वो तो पिछों दस ही देना है, तो यह बच्ची रंग दसूगी भी इस रंग के पेन इतने लिखा गया। दिखाओ फिर शुरू करके माड़ा जी। तो जसवीर सोनी जी एक पेन कुछ भी लिख देंगे, तो लिखा हुआ बच्चा दसूगा भी, तो किहड़े पेन लिखा ये भी दस दूगा, क्योंकि पांच रंग के पेन ने बच्ची कुछ नहीं दिख रहा इस वक्त, तो कुछ भी लिख देंगे है। तो क्या बात है, एक बार ये बच्ची तो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर ने लिखा की है, एक बार दो मिनट खड़ जाओ, तो आ देख लो एक बार कि आ लिखा बाई जी होरों ने उपर, तो लिखा की हूँ बच्ची पढ़ूगी, ये सही पढ़ती है, देखते हैं ये लिखा की है बाई जी होरों ने, दस्यो माड़ा जी। परवेज मनी सर। क्या बात है। तो हुण ये अगला चीज़ बहुत दिलचस्प रहने वाली है, पंज पेन ने लिखा किहड़े पेन नाल, मैनू भी नहीं पता, भुल गया मैं भी, पर आ बच्ची दस दूगी कि लिखा किवें। कैमरे सामने कैमरे दे विच तां सारा आ गया भी किहड़े रंग नाल लिखा आपां, ते आलो बेटा आलो आ दसो किहड़े रंग दे पेन नाल आपां लिखा है। ये देखो बच्ची लब पाउंदी है जां नहीं लब पाउंदी, ये वक्री जी चीज़ आ, ते देखदे आ। ते क्या बात है, तो यह बड़ी वक्री चीज़ हुई है कि यह पेन दसता कि तुम भी देख लो माड़ी जी पिछे वीडियो करके कि यही पेन लिखा सी, बिल्कुल सही है यही पेन दे नाल लिखा सी। भाई जी ये चीज़ की है, तो पिछे का कारण की है, पहला वाला भी कारण दस दो, तो हुण वाला कारण भी दस दो। मतलब मेरे ख्याल भी आप बच्चियों को करके तो एंड के उत्ते सारा ही समझा दें लिया के। ठीक है, तो होर बच्ची तो भी करा के देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये हो सकता कि बच्ची ट्रेंड होवे, कल्ली बच्ची ट्रेंड होवे, होर किसी तो भी करा के देख लें बच्चियों तो, जो आप सारा बच्चों तो करवावे। अजय बोते इधर आ जा, आप भी अखा की पट्टी बन दें, ये बच्ची की भी अखा की पट्टी बन दे, ये पढ़ पाँदी है वो चीज़ा या नहीं पढ़ पाँदी, ये वक्री जी चीज़ है, एक वक्रा एक विषय है कि पिछे का कारण की रहा, गलबात देखते हैं। तो वीडियो के नाल बने रहो, बहुत दिलचस्प रहने वाली है यह वीडियो। भाई जी कुछ भी पढ़ा ला, ये बच्चे कहते इंग्लिश पढ़ूगी, तो आ इंग्लिश की बुक है थोड़े सामने आ, तो हूँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई भी पन्ना मैं खोल लेना, लो जी ये पन्ना ये पढ़ाऊँगा मैं, तो ये पढ़े बच्चे कि बुक है, ये नाम दस दो पहला बुक। An alien hand. क्या बात है, इतों पढ़ना शुरू करो। Where's the man that did that? Ask the cop. Don't you think that I might have done it? Said Soapy. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. क्या बात है, तो ये बच्चे ने भी पढ़ता जानी, ये बच्चे भी पास है, तो ये पिछे का कारण की है वो भी देखते हैं। तो भाई जी होर बच्चे भी करके दिखाओ ये कोई। हाँ जी, अपना बच्चियाँ दो बच्चियाँ होर ने अपनिया, तो अपन पेन वाला भी करवाने हैं। हाँ दे दो बेटा किताब, सारी वीडियो के नाल बने रहो, पिछे का कारण की है वो जरूर दसांगे एंड दे विच, अखीर दे विच देख ही जाओ हुण बनता की है। तो इत्थे जसवीर सोनी जी कुछ लिख रहे हैं, बच्ची दी अखां ते पट्टी बन्नी हुई है, की लिखते हैं वो भी नहीं पता, तो
क्या बात है। लो भाई जी, लिखता चैनल का नाम लिखे या मेरा ना लिखे वो मैनू भी नहीं पता, क्योंकि मैं चंगी तरह पढ़िया नहीं हैगा। तो देख दें ये लिखा की है, एक मिनट मैं दिखा दें दर्शकों, दर्शकों देख लो कि ये लिखा बाई जी होर ने, तो ये बच्ची पढ़ पाँदी है या नहीं, यदा टैसट लें। आ की लिखे जी, पहले तो आह पढ़ो। सुरखाब टीवी। क्या बात है, ये बच्ची ने भी जानी टैसट के पास हो गई। लिखा कि पेन ना है वो चीज़ देखनी बनती है। हूँ बाई जी फड़ाओ एक बार बच्ची पेन, आ लिखा सी बाई जी होर ने, तो लिखा कि पेन ना है वो देखो। हूँ ये बच्ची दस पाँदी है या नहीं, आ फड़ो पेन और पेन का रंग दसो, देख के कि रंग ना लिखा। स्किन कलर दे पेन नाल इहदे नाल ही लिखे सी भाई। हाँ जी, कैमरे के सामने सर तुसीं देख सकते हो, बैक करके देख एक बार, फिर पिछे नूं करके देख लो कि यही पेन नाल लिखिया सी। ते देखियो हुण फिर इहदे पिछे दा कारण जानदे आ भाई जी। भाई जी की कारण रहिंदा है, साडी भी समझ तो बाहर ने यह गल्लां, क्योंकि अंदाजा कोई है ही नहीं कि इहदे पिछे दा कारण की आ। हाँ जी सर, आपां इही चीज़ समझाउण वास्ते जिहड़ा हैगा सारा कुछ आपां कर रहे हां, कि ताकि जिहड़ी लोकां दी जिहड़ी हैगी है इस तरह की लुट ना हो, जो कुछ किया जा रहा बच्चा के भविख नाल ते बच्चा की जिंदगी का खिलवाड़ किया जा रहा, वह आप सारा कुछ समझावे दसांगे भी ये कारण की है। वो चीज़ा नहीं है जिहड़ियां वो शक्तियां दिखाते हैं जां वो गल्लां करते हैं, ठीक है सर। तो आ एक बच्ची आ गई, छोटी बच्ची होर है, ये बच्ची भी जिहड़ा हैगा पढ़ूगी। ये पट्टी बनती है, किन्नियां उंगलां ने बच्चे पता नहीं दिख नहीं रहा। हाँ, ये बच्ची हिंदी पढ़ लूगी, हिंदी की किताब भी पढ़ सकती है। हिंदी की किताब आ पई है मेरे को, इतने कुछ भी मैं खोल देना। अच्छा ठीक है जी, तो मैं हिंदी की कोई भी रैंडमली पन्ना खोल लेना, देखते हैं पढ़ पाँदी है बच्ची या नहीं पढ़ पाँदी। लो जी आ पेज खोलता मैं, तो बच्चे पढ़ के दिखाओ माड़ा जी। हर व्यक्ति में एक समुचा ब्राह्मण वैसे की बसा है, जैसे छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा है। आदमी इस ब्राह्मण में रोमांचक और क्रियाक्रम इकाई है। इस बात में विज्ञान भी सहमत है। विज्ञानी कहते हैं कि विश्व में प्रत्येक जीवन क्रिया और उसका स्वभाव अलग अलग होते हैं। भाई जी ने फटे चकते हिंदी वाले, तो पढ़ भी दिता अखा बंद करके, तो अखबार पे इतने हिंदी का कोई भी अखबार, आप पहले अखबार का नाम देख लो, तुसी देख लो, तो हम बच्ची तो पढ़ाने लगे कि ना है कि ना का अखबार है। ये दैनिक सवेरा। अच्छा क्या बात है, तो आ की लिखा हुआ है इतने। उसे गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत। क्या बात है, बिल्कुल सही भाई जी। फिर अजमाए हो फॉर्मूला जो दो बच्चियों अजमाया सी। आ लिखता भाई जी ने, देखो हुण फिर की बनता। आ लिखिया होया ते बच्ची पढ़ पाउंदी आ या नहीं पढ़ पाउंदी, ये देखदे आ। ते बच्चे लिखिया की होया, पढ़ के दसो सानू। मनी सर तुहाडा धन्नवाद। क्या बात है भाई, ये भी पढ़ता, ते जानी तन्ने टेस्ट बच्चियां दे पास ने। ते हुण भाई जी रंग दसो, आ पेन देख के दसो किहड़े रंग दे पेन नाल लिखिया इह, देखो गुजल। लो जी तुसीं चेक कर सकदे हो, कैमरे दे विच चेक कर सकदे हो तुसीं, इह पेन नाल लिखिया सी। हुण इहदे पिछे दा कारण दसोगे बाई जी सानू, ते कारण की है ते इहदे पिछे दा देख सकदे आ कि की कहानी आ पिछे दी। बहुत रोचक है इह जानकारी, अपने बच्चों जरूर दिखाओ, सांझी भी करे उन्हां नाल कि बच्चे छोटे छोटे किन्ने इन्ने तेज़ ने, ते किवें सारी चीज़ां सिखदे आ, देखदे आ। ते हाँ जी, हाँ ते इत्थे मैं ये गल कहनी चाहूँगा कि बच्ची दे ऐनक लगी हुई है, ठीक है, क्यों बच्ची की निगाह भी थोड़ी कमजोर है,
और वो जो बच्चे दिखा रहे उन्होंने बच्चे निगाह तेज है जो आप पहला बच्चे दिखाई जहाँ निगाह ठीक है तेज है फिर इस बच्ची निगाह कुछ पर उसके बावजूद भी अखा की पट्टी बन के बच्ची पढ़ूगी। लो जी किताब कोई भी फड़ा सकते हो, किताब कोई भी फड़ा दी है जी। इतने देखदा देखदा मैं आप ही एक इंग्लिश की किताब आ ये पढ़ाने इंग्लिश की किताब बच्चे ये की लिखा हुआ शुरू तो पढ़ना शुरू कर दो आ पेज तो ठीक है। He had a feeling that he was going to fail again. The cop looked at the two men. I said the Urmila man that is you know how these things happen. तो भाई जी इन्हें भी पढ़ती बच्ची ने किताब इन्हें भी बड़े बड़े जिहड़े लोग ने जिहड़े रोजी रोटी कमाते ऐसियां चीज़ां तो उन्होंने पर्दाफाश किया तो इत्थे कुछ लिख दो तुसीं तो इत्थे लिखदे आ ये बच्ची पास हुंदी आ जां नहीं हुंदी वो देखदे आ कैमरे के उत्ते कुछ भी लिख दो भाई जी इहदे उत्ते तो बच्ची ने जिवें पहलां तां इन्होंने पास करता मैनूं लगदा कि ये बच्ची भी कर दूगी तो लिख रहे भाई जी लो जी आ देखो आ लिखे भाई जी ने इत्थे देख लो ते की लिखे आ बच्चे ये पढ़ के दस्यो माड़ा जिहा की लिखे कैमरामैन सर दा धन्नवाद। क्या बात है भाई जी हुण पेन फड़ाओ ही हाथ च हुण इहदा रंग दसो वी किहड़े रंग दे पेन नाल इह लिखिआ हैगा वाले कलर ना लिख लो जी सर ये भी तुसी चेक करके देख सकते हो कैमरे में तुहाडे आ चुके रंग भी आ चुके सारा कुछ आ चुके भाई जी ये दसो सानू कारण दसो माड़ा बच्चे तुसी जा सकते हो ते की कारण है वो गलबात करते हैं भाई जी नाल ते देख सकते हैं कि ये बहुत जादू करके दिखाए जादू भी कह सकते हैं एक ये हेरा फेरी भी कह सकते हैं बड़ी जादू ट्रिक ही है तो असल दे विच की है सर कि मैं आप फिर उही गल रिपीट कर लग्या मैं कि इहदे विच कोई इहो जी शक्ति नहीं आ कोई बच्चे का ब्रेन तेज नहीं हुंदा कुछ नहीं हुंदा गा एक ट्रिक है जिद्दां मेरियां तुसीं लगातार आपणा पिछले वीडियो च मैं दिखा रहा होर दिखा रहा गा असीं तरखू सिटी ही गल कहिंदी आ कि हर घटना के पिछे एक कारण हुंदा है और कारण लभण की कोशिश करो ना कि उस नूं अखां मीच के मगर लग के एक विश्वास करो तो विश्वास करके अपनी आर्थिक मानसिक लुट करवाओ ठीक है तो इदां दा कुछ ही हो रहा है उहदे पिछे भी हो रहा है हुण इहदा कारण की है भी इन्हां पट्टी के पिछे की कारण है कि जदों ये पट्टी इत्थे अखां दे इस तरह करके बन्नी जाती है तो जिहड़ी आह चीज़ उच्ची है हड्डी है इत्थे हड्डी दे उत्ते पट्टी हो जाती है आह नक्क दी हड्डी उच्ची है तो जदों इस तरह करके पट्टी बन्नी जाती है ये इस तरह आपां बच्चों की पट्टी बन्नी हुण तुसीं की कीता तुसीं ऐ उंगलां कीतियां बच्चे नहीं दस सके जे तुसीं ऐ करदे तुहानूं दस्सदे भी किन्नियां उंगलां सी ये इत्थे गैप रह जांदा है ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੰਜ ਆ ਜਾਂ ਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਦੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਕਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆ ਇਹ ਗੈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕੇ ਬੀ ਸੀ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਜੋਧਪੁਰ ਬਾੜਮੇਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈੱਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈੱਨ ਦਾ ਕੈਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈੱਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਹ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪ ਹੈ ਕੈਪ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਕੈਪ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਸੇਜ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਦਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਸੇਜ 'ਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਸੇਜ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਸੇਜ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਸੇਜ 'ਚ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਬ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕਦੇ ਕੈਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪੰਜ ਪੈੱਨ ਲੈ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਕੈਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ
जो आप लिखते हैं आप कढ़ लिया इतों सीधे चो क्या ए करा ये पेन ने एटोमैटिकली आप करा पेन घूमूगा आ घूम गया पेन तो अं आप चक्के कैप ला देंगे आ साइड तो चलिया गया बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जाके जो रंग पढ़ लेंगे ने तो बाकी तो जो जो किसी कोई गेंद का रंग दसना होर दसना और बच्चे ने इतने करके दस ही देना कोई बड़ी गल नहीं भाई जी पिछले कोई मतलब वो चीज़ नहीं है मैं थोड़े चैनल राही बेनती करदा उन्होंने मापियां जिहड़े मापे अपने बच्चों लेके उन्होंने संस्थावां जा रहे हैं जिहड़े ये सोच के लेके बच्चों जा रहे हैं कि साढ़े बच्चों का जो दिमाग है तेज़ हो जूगा साढ़े बच्चे जो कंपीटीशन चो अगे आ जाएंगे कुछ नहीं आना गा बल्कि उन्होंने बच्चों का जो ब्रेन है वह वाश किया जा रहा है क्योंकि कारण के पिछे की है कि जो कोई व्यक्ति किसी गल लेकर झूठ बोलता है तो वो मन के दिमाग के एक डर से खौफ बह जाता है कि मेरा झूठ फड़िया ना जाए तो सुत्ता पिया भी डरी जाता मेरा झूठ ना फड़िया जाए हुण जिहड़े एडे छोटे बच्चे के दिमाग दे क्योंकि वो ये चीज़ कहिंदे की है वो चीज़ ये कहिंदे ने किसी नूं दसना नहीं हुण बच्चे नूं तां पता है भी मैं तां देख के पढ़ रहा पर जदों दूजा पुछूगा भी तू पढ़ लिया किवें पढ़ लिया तो फिर जिवें उन्हां दा सिखाया होगा ट्रेनिंग दित्ती होगी उदां ही कहूगा बच्चा पर उस बच्चे के मन दे विच डर जिहड़ा हैगा घूम रहा है तो उस करके बच्चा जिहड़ा हैगा वो बच्चे नूं अपंग मानसिक तौर पर अपंग बनाए जा रहे हैं बहुत वड्डी लोकां नाल ठगी चल रही है तो खास करके मैं कहना अपने साडे KBC दे उत्ते अमिताभ सर नूं कि बहुत सन्मानित व्यक्ति ने बड़े मतलब मैं भी उन्हों का फैन हैगा तो वह भी जरा कुछ इस तरह दिखा रहे हैं जे तो एज ट्रिक दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पर जो एज इस तरह करके दिखाते हैं तो मैं उन्होंने कहूँगा कि सर इदा तुम ना करो ये साडे बच्चों का भविख है साडे देश का भविख है ये बच्चों का भविख खराब होंगे उन्होंने देख के जो लोग भी करते हैं नाल मैं प्लस उन्हें मापे को कहना कि अपने बच्चों तुम इन्होंने को ना भेजो अपने बच्चों की भविख जोड़ा वो खराब ना करो भाई जी बहुत समा दिता बहुत जानकारी दिती हमेशा थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साडे दर्शकों तक असीं भी पहुँचाने साडा मकसद यही हुंदा बहुत बहुत धन्यवाद तुसी साडे नाल जुड़े समा दे बहुत बहुत धन्यवाद सर तुहाडा और दर्शकों का भी जिहड़ा इन्ना प्यार दे रहे ने और सिख रहे ने बहुत बड़ी खुशी हुंदी है कि जो साडे मेहनत जिहड़ी साडी आ सफल हुंदी है बहुत बहुत धन्यवाद जे वीडियो चंगी लगी शेयर जरूर कर दिओ देखते रहो सुरखाब टीवी।